ये देखो, पता नहीं इसको क्या हो गया। वे, इसको क्या हुआ है? पता नहीं, सर्दी लग गई है। ये सुबह तक तो ठीक था बिल्कुल। ओहो यार, अभी तक जिंदा तो है, शुक्र है, लेकिन इसको सर्दी लगी है। इसको सनी भाई यहाँ पे रहो और हीटर को ना ऐसे ही पकड़ के रखो ठीक है। ताकि इसको हीट मिलती रहे। ये हीट इसको मिलेगी ना तो इसका इंशाल्लाह टेम्परेचर नॉर्मल हो जाएगा और ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। यार ये वैसे काफ़ी ज़्यादा बीमार हो गया, पता नहीं क्या मसला है इसको। इसने हालांकि खाना भी खाया हुआ है, ये देखे इसका पोटा भरा हुआ है, लेकिन फिर भी ये स्लो हुआ पड़ा है बहुत ज़्यादा। इसको यहीं पर रहने दो सनी और इसको हीट दो, है ना, ठीक हो गया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब कैरियर से होंगे। और यार वेलकम है जी आप लोगों का हमारी नई वीडियो के अंदर। दोस्तों सनी भाई सारे परिंदों के लिए डाइट लेके आ चुका है। सनी पहले डाइट रेडी कर रहा है, उसके बाद हम सारे परिंदे खोलेंगे ताकि बाहर निकलते सारी वो अपनी डाइट शाइट खाएं। रोटियां भी गो दी हैं सनी भाई, और क्या लेके आए हो? ये रोटी है और दाना मैंने डालने अभी। अच्छा चलो पहले रोटियां भी गो दो। और यहाँ पे हमारे पास पानी आ चुका है और हमारे परिंदे देखे यार, मुर्गा कितना उतावला हुआ पड़ा है बाहर आने के लिए। पहले इसको खोलते हैं। सनी खोल दो, इनको डाइट रेडी हो गई है? चलो ठीक हो गया। हाँ जी क्या हाल है? राजा, राजा नाम है जी हमारे इस वाले मुर्गे का। अब हम इसको खोलने वाले हैं और देखते हैं कितनी स्पीड से ये निकलेगा। आ जाओ ये देखो कितनी स्पीड से निकल रहा है यार। और दोस्तों अभी तक हमने अपनी डक्स को भी नहीं खोला, तो पहले इनको खोलते हैं। लेकिन यार इन्होंने इतना ज्यादा शोर करना है कि सनी भाई और मुझे ना इतनी यानी कि सर में दर्द होने लग जाती है, इतना ज्यादा शोर करती हैं। सनी भाई इनको खोलो, आज आप खोलो इनको, खोल दो। ये देखो कैसे बाहर आई है यार, कितना शोर करती है यार, ये बहुत ज्यादा शोर करती है। चलो उधर उधर चलो, डाइट आ चुकी है तुम्हारी, चलो चलो उधर चलो, उधर नहाती है। अच्छा नहाने की जगह है इनकी। यार वो लवबर्ड के बच्चे का तो मैं भूल ही गया। हाँ जी चलो नीचे जाके देखते हैं उसकी क्या हालत है। हाँ चलो नीचे चलते हैं और जाके देखते हैं दोस्तों कि वो उसका क्या बना है। मुझे तो उम्मीद है कि यार वो सही हो गया होगा, लेकिन अब जाके देखते हैं कि क्या बना है। ओ यार सनी ये तो एक्सपायर हो गया है। हाँ जी है ना। ओए 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 यार बहुत ही दुख हो रहा है यार वैसे। ओए इतना प्यारा था यार, ये दो थे, एक पहले एक्सपायर हो गया, अब ये भी एक्सपायर हो गया बेचारा। सनी इसको ले जाओ जाके ना मट्टी के अंदर दबा दो यार। सनी भी चंदा कहाँ पे है? मैंने उसको कैद कर लिया। चंदा को कैद कर दिया? हाँ जी। वो क्यों? मास्टर केज में वो बकरा ही नहीं जाता था, आज अच्छा। मैंने ये किया। सही 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 हो गया, काम भी बन गया इसको। ओ देखो जी सनी भाई ने मास्टर केज के अंदर चंदा को बंद कर दिया और मैं जाके देखता हूँ चंदा कहाँ पर है। ये आ गए, वो देखो क्या कर रहा है, कबूतरों के अंदर फिर रहा है चंदा हमारा। ले आओ सनी, ये देखो बाहर जाने की कोशिशें, बाहर जाने की कोशिशें, इसको पकड़ना है अभी। यार बहुत ज्यादा तेज है, ये पकड़ा ही नहीं जाता मुझसे तो। वो सनी गया भाई, पकड़ ले इसको। ओ यार सनी तुमने देखा कितना बड़ा हो गया है। दोस्तों जब हम इसको ले गया इतने ये बिल्कुल छोटा सा था, लेकिन अब ये अल्हम्दुलिल्लाह इतना बड़ा हो गया। और इसके साथ जो पारा था ना वो बेचारा एक्सपायर हो गया था। तो सनी भाई इसका पेयर भी है ना आजकल में कंप्लीट करें वैसे ना, पहले ये केज का काम कंप्लीट करते हैं, उसके बाद हमने ना अपना ये चंदा के साथ हमने ना फीमेल ला के छोड़नी है ताकि हमारा रेबिट का पेयर मुकम्मल हो। और उसके बाद हमने बनाना है, क्या बनाना है? रेबिट हाउस बनाना है। सनी भाई भी भूल गए, तो हमने रेबिट हाउस भी बनाना और उसके अंदर हमने ब्रीडिंग पेयर लाके रखना है यानी कि रेबिट्स का, ताकि वो बच्चे देंगे और हमारे सेटअप पे रेबिट के बच्चे भी आएंगे। ये देखो ये वाली फीमेल क्या कर रही है यार, हर टाइम ऐसे ऐसे घूमती रहती है। सनी इनको दाना डाला ना तुमने? नहीं अभी डालना। चलो इनको तुम दाना डालो, तब तक मैं जाके ना वो क्या हो गया केज को दिखाता हूँ कि केज का काम कहाँ तक पहुँचा है और क्या हो रहा है केज का। ये देखें जी हमारा केज यहाँ पे हमने बनाया, पिजन हाउस बनाने के लिए दोस्तों हमने ना ये सारा सामान रेडी कर लिया हुआ। इसकी सिर्फ छत रहती है और दरवाज़ा रहता है, दरवाज़ा आएगा तो फिर उसके बाद हमने छत डालनी है ताकि यानी कि जहाँ से भी सुराख वगैरह रह जाए उसको मुकम्मल किया जा सके। तो दरवाज़ा बनाने के लिए यार मैंने तरखान को बोला था, लेकिन वो लेट हो गया तो इसी वजह से ना हमने उसको कैंसिल कर दिया है। अब हमने बोला है जी वो जो होता ना वेल्डिंग वाला दरवाज़ा, लोहे का दरवाज़ा, जैसे हमने ये वाला बनाया ना सेम इस तरह का हमने दरवाज़ा बनवाना है ताकि मजबूत भी रहे और हमारे कबूतर वहाँ से निकल नहीं सकेंगे
और ना ही दोस्तों यहाँ पे बिल्ली आ सकेगी, क्योंकि आपको पता है कि हमारे सेटअप पे बिल्ली बहुत ज़्यादा आती है यार। बिल्ली ने पहले भी हमारे कबूतरों को इतना ज़्यादा नुकसान किया था और इतना ज़्यादा परेशान किया था, तो तकरीबन वो ना तब 10 या 12 कबूतर हमारे खा गई थी, और सांप भी आ जाता है यहाँ पे। तो इंशाल्लाह मजबूत सा दरवाज़ा बनाएंगे ताकि हमारे सेटअप पे कोई नुकसान ना हो। और ये देखें जी इनके काम, सारे परिंदे हमारे अपनी डाइट खा रहे हैं, और दोस्तों हमारा सुपर केज बेचारा कब से वीरान पड़ा है, सारे कबूतर उड़ गए हैं, कोई बिल्ली खा गई है, बाकी उड़ गए हैं, सिर्फ एक कबूतर हमारे पास रह गया, वो भी मास्टर केज के अंदर हमने रखा हुआ है। वो देखो ये यहाँ पे बैठा हुआ है, दाना खा रहा है, सनी पकड़ने की कोशिश कर रहा है, वो पकड़ लिया सनी ने। ये वाला कबूतर हमारे पास रह गया सिर्फ, बाकी सारे के सारे कबूतर, पता नहीं यार इनको क्या मसला हुआ, सारे के सारे कबूतर ही उड़ गए थे। चलो हम नए लेके आएंगे, पहले पिजन हाउस बनाएंगे, उसके बाद इंशाल्लाह नए लेके आएंगे। और यार मैं तो कब से भूला पड़ा हूँ यार अपनी फिशीज को। सनी इनका नाम क्या रखा था, मुझे तो नाम ही नहीं याद, सनी को भी नाम भूल गया यार। हमने तकरीबन एक माह से हमारे पास फिशीज है, हमें इनका नाम ही नहीं याद हुआ अभी तक। ये देखो पानी भी इनका कितना गंदा हुआ पड़ा है यार, ये कितना गंदा पानी है यार, बहुत गंदा पानी हुआ पड़ा है। तो इस चिंकी मिंकी नाम रखा था, अच्छा मैं तो कब से भूल गया हूँ यार। इनकी सफाई नहीं करनी, मैं कल कर दूंगा। तू कर देगा ना, चलो ठीक हो गया, तुमने खुद ही करनी है। ये सारा देखो कितना ग्रीन पानी हुआ पड़ा है, मछलियाँ अंदर नजर ही नहीं आ रही, अंदर दो मछलियाँ, दोनों की दोनों नजर नहीं आ रही है। देखो कहाँ पर है ये, फिर ये एक यहाँ पे है और एक ये पीछे है। सनी यार इनकी सफाई जरूर करो यार, कल मैं कर दूंगा। कर दोगे ना? हाँ जी। सही हो गया। और ये इनकी फीड पड़ी है, इनको फीड भी नहीं आज डाली गई, इनको फीड वो इतनी ज्यादा डाली यार, खा के वैसे बड़ी हो जाएंगे। हाँ जी इतनी बड़ी हो जाएगी यार, मैं खा दूंगा। मैं कहता हूँ सारी डाल देते हैं एक ही दिन में, सारी बड़ी हो जाएगी। ठीक है डाल दो, डाल दो। ठीक है सारी डाल देते हैं। चलो इसको बंद करके ना पीछे रख दो। सनी यार मैं सोच रहा हूँ कि ना हम डक्स सेल कर दें। कौन सी बड़ी, छोटी? बड़ी भी सेल कर दें, छोटी भी सेल कर दें। ठीक है। इनका यार शोर इतना ज्यादा है कि हम साये भी तंग आ जाते हैं हमसे, और हमारे घर वाले भी तंग आ जाते हैं कि इतना ज्यादा ये शोर करती हैं। इस वजह से मैं सोच रहा हूँ कि इन एक दो तीन चार, चारों को ना सनी भाई सेल कर देते हैं। सेल कर दें, जिबा कर लें, जिबा कर लें। हर टाइम दोस्तों इसको खाने की लगी रहती है कि कोई चीज जिबा करो और पहले सबसे पहले मुझे खिलाओ, तो जिबा नहीं हम करेंगे, हम इनको सेल कर देंगे, और सेल करके हम ना नई चीजें ले आएंगे, और असील मुर्गे के साथ मुर्गी भी लेके आनी है यार। हाँ बड़ी सी मुर्गी लेके आएंगे, और उसके अलावा हमने रैबिट के साथ यानी कि फीमेल भी लेके आनी है, तो बहुत से काम करने हैं यार। हाँ रैबिट हाउस भी बनाना है, रैबिट हाउस सनी वैसे कहाँ पे बनाए, किधर? नहीं उधर नहीं बनाना, मैं सोच रहा हूँ कि हम ना यहाँ से एक्वेरियम उठा लें। ठीक है। एक्वेरियम उठा के ना तो इसे भी ये हम ना गिरा देंगे, ये जो पिलर हमने बनाया था यहाँ पे नीचे, और इसके ऊपर हम रैबिट हाउस बनाएंगे। ठीक है? है क्या ख्याल है? इसको गिरा देंगे और यहाँ पे हम बनाएंगे बहुत प्यारा सा रैबिट हाउस, सही है ना? अच्छा बनाएंगे। हाँ अच्छा बनाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अस्सलाम वालेकुम।